हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोलॉजिक। और आज हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग सिम्फनी सुमो 75XL एयर कूलर की। ये कुछ इस तरीके से हमें इसकी पैकेजिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले जो कि ये हमने जो परचेस किया है अमेज़न से किया है 13,707 रुपीज़ का। ये हमें कुछ डिटेल्स देखने को मिलती हैं जिसमें MRP जो है हमारी 15,499 की। पैकेजिंग जो है हमें कार्डबोर्ड के साथ देखने को मिलती है। अनबॉक्स करने के बाद में यहाँ पर हमें ये कुछ इस तरीके से इसके टायर्स देखने को मिलते हैं। 4 टायर हमें मिलते हैं और इसके साथ में इसके जो बोल्ट्स एंड जो पेजेस हैं वो हमें इसके साथ में पॉलीथीन के अंदर पाउच के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। ये कुछ इस तरीके से इसके स्क्रूज़ हैं जो हमें इसके साथ मिलते हैं। तो ये तो है अलग चीज़, बट हमारी जो मेन यूनिट है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। ये है सिम्फनी सुमो 75XL जो कि लेटेस्ट मॉडल है सिम्फनी की तरफ से और ये काफ़ी अच्छा कूलर है। हमारे पास इसका एक ओल्डर वेरिएंट भी है, करीब 10 साल पुराना है, और ये जो है बिल्कुल नया IPR टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला सिम्फनी सुमो। तो जो हमारा एक्सपीरियंस था पुराने वाले के साथ काफ़ी अच्छा था, तो फिर से हमने सिम्फनी सुमो के साथ जाना ही प्रीफर करा। कुछ इस तरीके से इसके बटन्स हैं, एक पाइप हमें ऊपर देखने को मिलता है और आगे की तरफ एक जो है कंपनी टैग है और साइड में हमें यहाँ पर QR कोड और कंपनी के कस्टमर केयर का नंबर भी दिखता है जिस पर हम कोई भी दिक्कत आने पर कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कस्टमर सर्विस को। साइड में इसमें दोनों तरफ थर्माकोल और पीछे की तरफ भी थर्माकोल लगा हुआ आता है। तो हम इसकी जो है पॉलीथीन रिमूव कर लेते हैं। ऊपर की तरफ सबसे पहले हमें एक ब्लू कलर का पाइप देखने को मिला है इसके अंदर, और फिलहाल हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो पूरी तरह इसमें जो है पॉलीथीन रैप्ड है ये, और मतलब पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है अमेज़न की तरफ से। ये हमने बेसिकली अमेज़न से परचेस किया था और विदिन 2 से 3 डेज़ के अंदर ये हमें जो है जयपुर में डिलीवर हो गया था। और पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है इनकी, काफ़ी हार्ड पैकेजिंग है और कहीं से भी कोई भी डैमेज होने का जो है चांस नहीं है। तो ये जो है हमारा कूलर जो है अनबॉक्स हो चुका है। पीछे जो है इसका वायर भी पॉलीथीन के अंदर था, वायर भी हमने निकाल लिया है। आगे जो है ये कुछ डिटेल्स लिखी हैं कूलर के बारे में और एक टैग है जिसमें कुछ डिटेल्स हैं इसी कूलर के रिगार्डिंग। ऊपर जो है सुमो की ब्रांडिंग और ये जो है इसकी पावर केबल है। ये थोड़ी सी वीक है बट ओके है, इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। साइड में हनीकॉम्ब इसके अंदर जो है हमारे नेट देखने को मिलता है। साइड में यह है, ये जो है यहाँ पर हम पाइप लगा सकते हैं और जो पानी होता है वो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा और मतलब ढुलेगा नहीं, कहीं पर गिरेगा नहीं। तो ये काफ़ी एक अच्छी सी चीज़ है इसके अंदर और ये मुझे काफ़ी यूज़फुल सा जो है ऑप्शन लगा इसके अंदर। बाकी इस पीछे की तरफ इसमें सुमो 75XL लिखा हुआ है और यहाँ पर नीचे की तरफ एक प्लग है जिसको रिमूव करने पर सारा पानी जो है खाली हो जाएगा आपके कूलर के अंदर से। इन केस ऑफ सीज़न में अगर साफ़ करके इसको रखना हुआ तो वहाँ से पानी निकल के ये जो है आम पर इसको रख सकते हैं। तो आगे हमें कुछ ये 2 बटन्स देखने को मिलते हैं और नीचे की तरफ हमें कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस मिलता है। हमने चारों जो है इसके जो टायर्स हैं वो हमने फिक्स कर लिए हैं प्रॉपरली। ये जो है ऐसे राउंड हो जाता है और ये जो है वो हुक है जिसमें से आप जब ये निकाल दोगे तो सारा पानी जो है खाली हो जाएगा। हमने पाइप भी अटैच कर लिया जो इसके साथ आया और ये जो है ये जो जॉइंट है इसका ये हमारा डायरेक्ट नल के अंदर लग जाएगा। तो यही कुछ था हमारे नए सिम्फनी सुमो 75XL के अंदर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट हो अगर कोई क्यूरी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजिक। सी यू अगेन।